हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋषि एंड आप देख रहे हैं स्पाइसी कार्ड। आज के वीडियो में मोस्ट फेमस क्रेडिट कार्ड फ्लिपकार्ट एक्सेस क्रेडिट कार्ड, उसको हम रिव्यू करेंगे। एक टिप शेयर करूंगा कैसे इस कार्ड को आप रिन्यूअल फी वेव ऑफ करा पाएंगे विदाउट स्पेंड क्राइटेरिया मीट किए हुए, जो कि 3.5 लाख है। ये टेक्निकली कह सकते हो कि आप लाइफ टाइम फ्री भी बना सकते हो, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड। बट स्टिल मैं ये शेयर कर दूंगा आप ऐसा कैसे कर सकते हो। सो इस वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा। हालांकि ये कार्ड मेरे पास 3 साल पहले से ही मेरे पास ये कार्ड है, मैंने इसका कभी रिव्यू या अनबॉक्सिंग वगैरह डिटेल रिव्यू हमारे चैनल पे अवेलेबल नहीं है। सो अभी जस्ट रिसेंटली ये कार्ड मैंने 2-3 मंथ पहले मैंने वापस से रीशू कराया था। सो अभी ये सही टाइम है कि मैं आपके साथ काफी एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ रिगार्डिंग इस क्रेडिट कार्ड और काफी कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। सो अभी इस आज के वीडियो में हम आपको इस कार्ड का अनबॉक्सिंग दिखाएंगे, फीचर्स बेनिफिट पे बात करेंगे, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसका प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा विद एक्सपीरियंस के साथ, जो इस कार्ड को लेने या नहीं लेने के लिए आपको काफी हेल्प करने वाला है। प्लस एट द एंड ये भी बताऊंगा इस कार्ड को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, किन सिनेरियो में इसको लेना चाहिए। सो ऐसे ही डिटेल रिव्यू अबाउट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड अदर बैंकिंग रिलेटेड प्रोडक्ट का करता रहता हूँ। सो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस कार्ड का जो मैं लेटेस्ट किट दिखा देता हूँ, बिकॉज ये जो किट है मेरे को डिवोल्यूशन के बाद मैंने मंगाया हुआ है। सो एक्चुअली ये कार्ड मैं हर साल मंगाते रहता हूँ, तो उसके पीछे रीजन मैं आगे बताऊंगा। बट अभी ये लेटेस्ट किट है जो कि 2 महीने पहले ही मुझे इशू हुआ है, तो पहले मैं आपको इसका अनबॉक्सिंग दिखा देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं ये है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का वेलकम किट। बेसिक सा पैकेजिंग आता है और बैक साइड से ये कुछ ऐसा दिखता है। तो चलिए इसे हम बाहर निकालते हैं। सो ये रहा वो पैकेट, तो चलिए इसे भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देख सकते हैं इसके अंदर एक लीफ मिलता है, जिसके अंदर वही एक्टिवेट कैसे करना है, पिन कैसे सेट करना है, ये ऑप्शन इन्होंने दे रखा है। चलिए इसे सेट कर देते हैं। सो ये देख सकते हैं लीफ, जिसके अंदर क्रेडिट कार्ड इन्होंने स्टिक करके भेजा हुआ है। यहाँ पे एड्रेस वगैरह मेंशन करा हुआ है, कार्ड का नंबर है, लास्ट 4 डिजिट एंड प्राइमरी कार्ड नंबर, कोई डाउन नहीं है। कार्ड की लिमिट 1,05,000 एंड इसके पर आप देख सकते हैं ज्वाइनिंग फी 500 एंड एनुअल फी भी 500 है एंड ये एक्टिवेशन कोड है। सो ये कुछ मेंशन रहता है इस लीफ के अंदर। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट एक्सेस कार्ड मेंशन करा हुआ है और ये फ्लिपकार्ट कार्ड। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे हाईलाइटेड बेनिफिट्स इन्होंने मेंशन करा हुआ है, 5% ऑन फ्लिपकार्ट, 4% प्रीफर्ड मर्चेंट, 1% ऑल अदर एक्सपेंसेस ऑनलाइन या ऑफलाइन, फ्यूल सरचार्ज वेवर 1%, कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च, फीचर्स बेनिफिट पे बाकी डिटेल में बात करते हैं। ओवरऑल ये कुछ इन्होंने मेंशन करा हुआ है यहाँ, एंड ये रहा हमारा फ्लिपकार्ट कार्ड। तो चलिए इसे बाहर निकाल लेते हैं। सो देख सकते हैं ये रहा वो कार्ड, ऊपर में ही इन्होंने सारे नंबर मेंशन कर दिए हैं। एटलीस्ट इसका रीडिजाइन करना चाहिए, क्योंकि ऊपर में अब नंबर काफी ओल्ड डिजाइन हो गया है, एटलीस्ट पीछे रखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा नंबर सारे इम्बेडेड हो तो। एंड यहाँ पे देख सकते हैं फ्लिपकार्ट की ब्रांडिंग है, एक्सेस की ब्रांडिंग है, वीजा वेरियंट पे ये मुझे मिला है। सिंपल जैसा नॉर्मल फ्लिपकार्ट कार्ड आता है सेम एक्जैक्टली वैसे ही है, एंड पीछे में CVV नंबर है। क्लोजली मैं दिखा देता हूँ, ये कार्ड कुछ ऐसा दिखता है फ्लिपकार्ट कार्ड। सो ओवरऑल ये कुछ रहता है बॉक्स कंटेंट, चलिए बात करते हैं इसके फीचर्स एंड बेनिफिट पे। सो आपने इस कार्ड का अपने अनबॉक्सिंग देख लिया, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जल्द से जल्द इसका फीचर्स एंड बेनिफिट पे बात कर लेते हैं, बिकॉज क्योंकि काफी लोग इसके फीचर्स बेनिफिट ऑलरेडी जानते ही होंगे, बिकॉज फेमस कार्ड है तो आपको पता ही होगा, बट स्टिल मैं कोशिश करता हूँ, बिकॉज के फीचर्स में काफी बेनिफिट चेंजेस हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डिवोल्यूशन। तो मे बी आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ना हो, तो इस वजह से मैं इसके सारे फीचर्स बेनिफिट भी मैं फटाफट कवर कर लेता हूँ। तो सबसे पहले इसका ज्वाइनिंग एंड रिन्यूअल फी के बारे में बात कर लेते हैं। इस कार्ड का जो आप जब भी इशू कराओगे आपको 500+ टैक्सेस आपको देने पड़ेंगे। नेक्स्ट ईयर जो रिन्यूअल फी है वो भी आपका 500+ टैक्सेस आपको लगेगा इस कार्ड का। और अगर आप इसका जो एनुअल फी लगने वाला है नेक्स्ट ईयर उसको अगर वेव ऑफ कराना है, तब को 3.5 लाख एक्सपेंस करना पड़ेगा, तब जाकर के जो नेक्स्ट ईयर का फी है जो 500 लगने वाला है वो आपको नहीं लगेगा। जो एनुअल फी वेवियर क्राइटेरिया है जो कि स्पेंड बेस करने पे मिलता है, उसमें काफी सारे MCC एक्सक्लूजन है। करंटली एक दो बता देता हूँ, लाइक रेंट पेमेंट, वॉलेट लोड, और इवन की मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपका यूटिलिटी एक्सपेंस भी इंक्लूड नहीं करता, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जो कार्ड क्लोज किया था उसके अंदर काफी सारे मैंने यूटिलिटी पेमेंट भी करे थे, बट पता नहीं इंक्लूड नहीं किया। आगे बताता हूँ उसके पीछे रीजन क्या है। इस कार्ड को अगर जब आपका इशू हो जाएगा तो आपको इसके साथ कुछ वेलकम बेनिफिट मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप फी पे कर देंगे उसके बाद आपके पास 500 का वाउचर आएगा आपका, हालांकि 600 तक का वेलकम बेनिफिट मिलता है इसके पर, वो मैं बताता हूँ कैसे। तो सबसे पहले आपको 500 का फ्लिपकार्ट का वाउचर मिलेगा। तो जब आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन कर देते हैं, जो ट्रांजेक्शन है वो मोर देन 100 रुपीज अगर हो कर देते हैं, तो आपको एक ईमेल आता है या नोटिफिकेशन आएगा, SMS भी आ जाएगा, और उसके थ्रू आपके पास एक वाउचर जनरेट करने का ऑप्शन आएगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक्चुअली इसमें ऐसा नहीं है कि लेट्स सपोज आपका जिस नंबर से आपका क्रेडिट कार्ड है और जिस नंबर से आपका फ्लिपकार्ट
फ्लिपकार्ट है, जरूरी नहीं कि उसी पे आप ऐड कर सकते हैं। इवन दो की वजह से मेरे केस में था, जो मेरा नंबर था वो फ्लिपकार्ट पे ना बैन कर दिया गया है, बिकॉज मैंने काफी रिटर्न करे थे, तो उस अकाउंट से मेरा फ्लिपकार्ट अकाउंट बैन है। तो मैं इस चीज को सोच रहा था कि क्या होगा कि अगर मुझे वाउचर भी सिर्फ उसी नंबर पे ही रिडीम करने को मिलेगा फ्लिपकार्ट अकाउंट पे, बट ऐसा नहीं था। मैंने आगे जाकर के नंबर आपसे पूछेगा, जैसे आप रिडीम करने जाओगे वहाँ पे जो भी आपका एक्टिव करंट फ्लिपकार्ट अकाउंट है उसका नंबर आप डालेंगे और ओटीपी सबमिट करेंगे, तो वाउचर उस पर्टिकुलर नंबर पे चला जाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके नाम पे ये कार्ड है, जिस नंबर पे ये कार्ड आपका इशू हुआ है उसी पे ही ये वाउचर रिडीम होगा। आप किसी भी फैमिली मेंबर के किसी भी अकाउंट पे इस वाउचर को रिडीम करते समय नंबर डालेंगे तो उस फ्लिपकार्ट अकाउंट पे ये चला जाता है। जो 600 की मैंने बात करी तो 500 इधर हो गया, 100 रुपीज आपको स्विगी के फॉर्म में, आपको डिस्काउंट के फॉर्म में मिलेगा। लाइक फर्स्ट टाइम इस कार्ड को यूज करके स्विगी पे जब ऑर्डर करोगे तो 100 रुपीज आपको ऑफ मिल जाएगा। सो मिनिमम कार्ड वैल्यू 129 रुपीज होना चाहिए, उससे अब में आपको एटलीस्ट 100 रुपीज आपको ऑफ हो जाएगा। एंड इस ऑफर को यूज करने के लिए एक कूपन कोड है, वो मैं बता देता हूँ, उसको आप पुट कर लीजिएगा तो आपको 100 रुपीज ऑफ मिल जाएगा स्विगी पे, एक्सिस FK न्यू। अब बात कर लेते हैं इसका स्पेंड बेस्ड रिवॉर्ड रेट के बारे में, जो इस कार्ड के साथ आपको मिलता है। इस कार्ड को स्पेंड करने पे आपको फ्लिपकार्ट एंड क्लियर ट्रिप पे 5% का कैशबैक मिलेगा, वो भी अनलिमिटेड, कोई कैप नहीं है, और इस कार्ड का यही मेन हाईलाइटेड बेनिफिट है। आपको अनलिमिटेड 4% और कैशबैक मिलेगा इस कार्ड को यूज करके एक्सपेंस करने पे इनके प्रीफर्ड मर्चेंट पे, लाइक आपका इनका स्विगी, उबर, PVR, कल्टफिट। इस कार्ड को यूज करके कल्टफिट पे कभी एक्सपेंस नहीं किया तो इसके बारे में ज्यादा कुछ बता भी नहीं पाऊंगा। उबर पे मैंने करा हुआ है, स्विगी पे करा हुआ है, तो इसके भी कुछ डिटेल आगे मैं आपके पास शेयर करूंगा। और रेस्ट इसके अलावा कहीं भी एक्सपेंस करते हैं तो अनलिमिटेड 1% का आपको कैशबैक मिलता है, वेदर इट इज ऑफलाइन और ऑनलाइन। एंड जो कैशबैक आपको मिलेगा एटलीस्ट मिनिमम ट्रांजेक्शन आपका 100 रुपीज होना चाहिए। एंड जो कैशबैक आपको मिलेगा हर मंथ जब भी आपका बिल बन जाता है वो आपके बिल में ही एडजस्ट हो जाता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, पिछले मंथ का मेरा एक्सपेंस था उसके ऊपर इतने मुझे कैशबैक मिले थे, तो वो मैं आपको स्क्रीनशॉट से आपको आइडिया लगा, ये सेम आपके स्टेटमेंट में ही एडजस्ट कर दिया जाता है। तो इस कार्ड के ऊपर काफी एक्सक्लूजन है कि इन कैटेगरीज या इन MCC पे एक्सपेंस करने पर आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। लिस्ट आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये सारे एक्सक्लूजन है इस कार्ड के ऊपर जहां आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। इसके ऊपर आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलेगा 1% का, जो कि आपका ट्रांजेक्शन होना चाहिए बिटवीन 400 to 4000। एंड जो इसके ऊपर GST लगता है जब भी फ्यूल ट्रांजेक्शन करते हैं, वो लेकिन रिफंडेबल नहीं होता। बात करूं इसका लाइफस्टाइल बेनिफिट, जो कि इसके ऊपर एक ही है, और वो है आपका लॉन्च बेनिफिट। इसके ऊपर आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस मिलता है पूरे साल भर में, बट इसको लॉन्च को एक्सेस करने के लिए स्पेंड बेस क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा, जो कि 50,000 का है। सो आपको प्रीवियसली 3 months में, यानी कि क्वार्टर में आपको 50,000 एक्सपेंस करेंगे तभी जाकर के एक जो लॉन्च है वो अनलॉक कर पाएंगे, और जो न्यूली इशू कार्ड होंगे उनको ये क्राइटेरिया मीट करने की नीड नहीं होगी। एक्सिस बैंक का जो डाइनिंग बेनिफिट होता है, इसके ऊपर आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, जो इनके टाइप रेस्टोरेंट है, तो उसके थ्रू भी इसके ऊपर कार्ड पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये फीचर्स मैंने नहीं यूज करे हैं ज्यादा, कभी भी नहीं, मेरे पास मल्टीपल कार्ड है, बट डाइनिंग बेनिफिट के लिए मैंने कभी भी कोई भी फ्लिपकार्ट या फिर एनी अदर एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड मैंने यूज नहीं करे, सो एक्जैक्टली मैं इसका इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर पाऊंगा आपके पास, ये कितना डिस्काउंट मिलता है या कैसे मिलेगा। सो पास्ट एक्सपीरियंस, कुछ डिवोल्यूशन और इनके जो भी चेंजेस हुए हैं उसके आधार पे मैंने इसकी लिस्ट ऑफ कॉन्स एंड प्रोज दोनों मैंने तैयार किए हुए हैं। इसको केयरफुली आप सुनिएगा, इस कार्ड को ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, बिकॉज क्योंकि इसके तहत आप इजिली ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपको ये कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके कुछ कॉन्स बता देता हूँ, जो कि डेफिनेटली आपको जानने चाहिए इस कार्ड के बारे में। सबसे पहला कि इस कार्ड का एनुअल फी वेव ऑफ कराने के लिए बहुत ही हाई स्पेंड करना पड़ेगा, जो कि ये बेसिक कार्ड है, तो ऐसा नहीं कि हाई वेरिएंट क्रेडिट कार्ड है। जो पहले इसका स्पेंड बेस क्राइटेरिया था एनुअल फी वेव ऑफ करने का वो 2 लाख था, उसको इंक्रीज करके इन्होंने 3.5 लाख कर दिया है, तो ये बहुत बड़ा कॉन्स है इस कार्ड के लिए। सेकेंड पॉइंट ये है कि इसका डिवोल्यूशन के बाद, पहले ये एटलीस्ट इस पर्पज के लिए भी ये काफी अच्छा कार्ड था कि आप कहीं भी एक्सपेंस करिए आपको 1.5% कैशबैक मिलेगा, बट आफ्टर डिवोल्यूशन ये 1% कर दिया गया है। जैसे कि आपका एक्सिस एस में 2% से 1.5% कर दिया, तो उसके बाद से एक्सिस एस कार्ड बिल्कुल बेकार ही हो गया, तो वैसे ही यहाँ पे 1.5% से 1% कर दिया गया। थर्ड पॉइंट, लॉन्च एक्सेस करने के लिए बिल्कुल बेकार कार्ड है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कोई भी लॉन्च एक्सेस करने के लिए कोई भी 50,000 इस कार्ड से एक्सपेंस करेगा। हाँ, इनकेस आपने फ्लिपकार्ट पे एक्सपेंस कर दिया या अदर जगह एक्सपेंस कर दिया, तो उस सिचुएशन पे अगर 50,000 का लिमिट थ्रेशोल्ड लिमिट रीच कर दिया तो सिचुएशन में लॉन्च अनलॉक हो गया, तो सिचुएशन में लोग डेफिनेटली कर लेंगे, बट स्पेशली लॉन्च एक्सेस करने के लिए तो डेफिनेटली ये कार्ड रिकमेंडेड नहीं, और कोई एक्सपेंस करेगा भी नहीं 50,000 टू गेट द लॉन्च एक्सेस, तो लॉन्च एक्सेस के लिए ये कार्ड अच्छा नहीं है। फोर्थ पॉइंट कि ये जो लॉन्च की लिस्ट जो ये कार्ड सपोर्ट करता है वो बहुत ही कम है, बहुत लो है। बहुत सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड है, लाइफ टाइम फ्री डेबिट कार्ड है, जो इससे बेटर लॉन्च फैसिलिटी देते हैं और लाइक मोस्ट ऑफ द लॉन्चेस सपोर्ट करते हैं। इवन कि आपको मैंने 2 बैंक, बंधन बैंक के मैंने 2 डेबिट कार्ड बताए, वो भी इससे बेटर है कई गुना लॉन्च एक्सेस करने के लिए। फिफ्थ पॉइंट, फ्लिपकार्ट एक्सेस का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो मैंने बहुत समय से नोट किया हुआ है, कि वो ये कि कई सारे MCC जो भी इसके लिस्ट में होते हैं बट स्टिल
वो सही से इनका सिस्टम रेक्टिफाई नहीं कर पाता है, और इससे होता ही है कि हमें जो भी एलिजिबल हमें कैशबैक मिलने चाहिए थे स्पेसिफिक कैटेगरी पे, जो कैशबैक है वो हमें क्रेडिट ही नहीं किए जाते। सो ये एक इश्यूज है। हालांकि कई बार इसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं बाय उनको मेल करके बता करके कि मैंने इस पर्टिकुलर कैटेगरी पे किया हुआ है, तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है, इतना आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप इस कार्ड से अगर मल्टीपल ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको आइडिया भी नहीं लगेगा। ये तभी लगेगा जब स्पेसिफिकली किसी एक कैटेगरी पे एक्सपेंस करेंगे और आप मॉनिटर करेंगे तब आपको आइडिया लगेगा। ऐसे आप जनरली इजिली पता भी नहीं कर पाएंगे आपको उसका कैशबैक मिला या नहीं भी मिला। नाउ सिक्स पॉइंट कि बहुत सारे नए इन्होंने MCC इंक्लूड कर दिया, बहुत सारे एक्सक्लूजन कैटेगरी इन्होंने इंक्रीज कर दिया फ्लिपकार्ट एक्सेस कार्ड पे, जहां आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। नंबर 7, 5% कैशबैक जो मिंत्रा की वेबसाइट और ऐप पे आपको मिलता था अब वो भी उन्होंने हटा दिया है। तो अब ये मिंत्रा पर्पस के लिए भी ये कार्ड अब नहीं रहा, एंड अगर आप मिंत्रा पे एक्सपेंस करेंगे इस कार्ड को लेकर के तो आपको 1% का ही कैशबैक मिलेगा जो नॉर्मल एक्सपेंस पे मिलता है। अभी मैं बात करूं इनका जो प्रीफर्ड मर्चेंट पे 4% कैशबैक मिलता है जो कि उबर इनका एक लिस्ट में है। सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इस कार्ड से आप कभी भी ट्राई करेंगे कि कार्ड को ऐड करके ऑनलाइन पेमेंट कर लेंगे वो कैब जनरली आपका बुक ही नहीं होगा। जो आजकल के कैब बुकिंग सिस्टम मैं रेगुलर यूज कर रहा हूँ राइट नाउ, तो आपको मैं बता सकता हूँ अगर आप कभी भी कैब बुक करते हो या फिर आप कोशिश करते हो कि ऑनलाइन पेमेंट पहले ही मोड सेलेक्ट कर लो, तो जो पर्सन अगला राइडर है वो या कैब ड्राइवर है वो आपका एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और अगर कोई कर भी लिया तो जैसे आप एंड करोगे जर्नी वो बहुत ही ज्यादा बोलने लगे मुझे ऑनलाइन नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट मुझे ही पेमेंट करो, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने लगता है हार्डली 1 या 2 बार यूज करा होगा उबर पे सो दैट की कैशबैक मिले, बट जनरली हर बार ये तो एक्सेप्ट ही नहीं करता ड्राइवर या राइडर, या मोस्टली क्या करते हैं वो लोग हमें डायरेक्टली अपफ्रंट ही कैश मांगते हैं। तो ओला हो गया उबर हो गया इनके बारे में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना बहुत मतलब आपको कैशबैक मिलना नामुमकिन ही है, क्योंकि आप इसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे, ये मेरा एक्सपीरियंस है तो मैंने आपको बता दिया। जो ऑनलाइन मोड उनको दिखाएगा वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो इस पर्पस के लिए तो डेफिनेटली आपको ये वर्क नहीं करने वाला। सो इसके कुछ एडवांटेजेस बता देता हूँ। लाइक सबसे पहला कि ये कार्ड काफी ऐसे लोगों को भी मिल जाता है जिनकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती है, ये ऑफर बेस्ड फ्लिपकार्ट पे काफी बार ऐसा हुआ है कि हर किसी को काफी लोगों को ये इजिली इशू हो गया, तो ये कार्ड काफी इजिली इशू हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा बेनिफिट कि ये कार्ड स्टूडेंट हाउसवाइफ को भी बहुत इजिली मिल जाता है, और ये कार्ड जो है ये बहुत ही कम एज वालों यानी कि 18 इयर्स के जो स्टूडेंट होते हैं उनको भी ये कार्ड इशू हो जाता है। सो जो सबसे कम एज में कार्ड इशू करने वाले बैंक है वो एक्सिस है, और एक्सिस फ्लिपकार्ट एक्सिस काफी ज्यादा यंग एज को इशू हुए हैं क्रेडिट कार्ड। थर्ड बेनिफिट लिमिट एनहांसमेंट, सबसे ज्यादा लिमिट एनहांसमेंट इस कार्ड पे देखा गया है आपका ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड के बाद। हालांकि ICICI बैंक पे सबसे ज्यादा लिमिट एनहांसमेंट मिलता है अमेजोन पे पे, अगर उसके अलावा अगर लिमिट एनहांसमेंट की बात करूं तो फ्लिपकार्ट एक्सेस पे काफी ज्यादा लिमिट एनहांसमेंट मिलता है लोगों को जब भी ये कार्ड काफी ज्यादा यूज करते हैं एक्सपेंस करने के लिए। फोर्थ बेनिफिट कि इस कार्ड को आप चाहे तो PVR पे यूज कर सकते हैं, आप फूड बेवरेजेस लिए तो वहां पे आपको 4% कैशबैक आपको मिल जाएगा, या फिर आप चाहे तो बुकिंग टिकट बुकिंग करने के लिए उनके ऐप पे भी करेंगे तो भी आपको ये कैशबैक दे जाएगा। इवन की ऑफलाइन में जाके लाइक मूवी हॉल में अगर आप फूड बेवरेज लेते हैं तो वहाँ पे आप POS कीजिएगा, POS ट्रांजेक्शन कीजिएगा, स्वैप कीजिएगा, कॉन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शन नहीं कीजिएगा, वहाँ आपको कैशबैक जरूर मिलेगा। तो PVR के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास स्पेसिफिक कोई PVR क्रेडिट कार्ड नहीं है। तो मैं अपने कुछ थॉट शेयर कर देता हूँ अबाउट दिस क्रेडिट कार्ड। एक्चुअली एक्सिस पे प्रॉब्लम ये कि 3 कार्ड रख सकते हैं, तो जनरली मेरा पोर्टफोलियो में एक्सिस, एयरटेल, एक्सिस एश और एक्सिस आपका फ्लिपकार्ट कार्ड था मेरे पोर्टफोलियो में। सो आफ्टर डिवोल्यूशन मुझे एक्सिस कोई मेक सेंस नहीं कर रहा है तो वो मैंने क्लोज करा दिया है, और लाइक आपका मेरे पास एयरटेल ऑलवेज एक्सिस रहता है बिकॉज वो 1% सब पे देता है, प्लस इसके अलावा भी बहुत बेनिफिट है। एयरटेल एक्सिस मोस्ट रिकमेंडेड कार्ड है, स्टिल आप रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, अभी भी बेस्ट कार्ड है, और मैं मोस्टली मेरा एक्सपेंसेस में जरूर उसको करता हूँ। सो पॉइंट इज लाइक मैंने जस्ट 2 मंथ पहले मैंने फ्लिपकार्ट एक्सिस कार्ड को मैंने क्लोज कर दिया था। रीजन ये था कि उसका रिन्यूअल आने वाला था, तो मैं करता क्या हूं कि जैसे मैंने आगे वीडियो में आपको बताया कि कैसे इस कार्ड को आप चाहें तो आप फ्री करा सकते हैं, लाइक एनुअल फी आपको नहीं देना होगा। प्रोसेस यही करता हूं कि चूंकि आपके पास अगर एग्जिस्टिंग कोई भी एक्सिस का क्रेडिट कार्ड है और आपके पास फ्लिपकार्ट एक्सिस कार्ड भी है, तो जैसे ही रिन्यूअल आए आपको कॉल कर दीजिए कस्टमर केयर को, उनको क्लोज करा दीजिए, जस्ट बोलिए कि मुझे ये चार्जेबल कार्ड है मुझे नहीं चाहिए। तो कुछ कंडीशन में हो सकता है वो आपको लाइफ टाइम फ्री कर दे, और नहीं भी करता है जस्ट क्लोज करा दीजिए। क्लोज होने के विद इन मंथ आप वापस कॉल कर लीजिए और वापस से कार्ड इशू करा दीजिए। मंथ क्या मुझे तो इमीडिएटली ही मिल जाता है कॉल करने के बाद, मैं क्लोज कराता हूँ हार्डली 7-10 दिन के बाद, मैं जाने टाइम ले लेता हूँ, अगेन मैं फ्लिपकार्ट कार्ड इशू करा देता हूँ और मुझे इशू भी हो जाते हैं। तो मोस्टली रिकमेंडेड है कि कुछ केसेस में हो सकता है कि ना भी दे, बोलेंगे कि एटलीस्ट 1 मंथ आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार मेरे साथ हुआ है, और कुछ केसेस में मुझे इमीडिएटली 1 वीक के बाद ही उन्होंने मुझे ऑन कॉल इशू कर दिया। तो आप सिंपल आप फर्स्ट टाइम लेते हो तो आपको चार्ज लगता है, तो उसके बदले में वेलकम बेनिफिट्स आपकी फी रिकवर हो जाती है। नेक्स्ट ईयर आप बस रिन्यूअल से पहले क्लोज कर दो, कार्ड क्लोज हो गया, एंड देन वापस एक रीइशू करा लो, तो जो भी आप फी दे रहे हो उसमें आपका रिकवर हो जाता है।
जा रहा है। तो इस तरीके से आप टेक्निकली या प्रैक्टिकली आप कह सकते हो कि आप लाइफ टाइम फ्री भी बना सकते हो। और जब बार बार अगर आप क्लोजर रिक्वेस्ट देते हो तो उससे होगा ये जो रिटेंशन टीम है उनको पता चल जाए कि आप ये टेक्निक कर रहे हो, तो कुछ सिचुएशन में हो सकता है कि वो समझ जाए तो आपको लाइफ टाइम फ्री भी करके दे। तो ये बार बार आपको कभी करने की नीड भी नहीं होगी। तो ये टेक्निक है जिससे आप प्रैक्टिकली या टेक्निकली कह दूं तो आप लाइफ टाइम फ्री बना सकते हो इस कार्ड को। सो एक्सिस के जो क्रेडिट कार्ड है मैं कुछ इस तरीके से अपने डेली लाइफ में एक्सपेंसेस में यूज कर रहा था। जैसे ऑफलाइन एक्सपेंसेस के लिए मैं एस यूज कर रहा था। सो जो कैशबैक है 2% से 1.5% कर दिया गया है। और उसके अलावा मैं कोई यूज नहीं करता बिल पेमेंट वगैरह के लिए, बिकॉज क्योंकि एयरटेल एक्सिस से ही मैं सारी यूटिलिटी पेमेंट कर देता हूँ। तो मैं गूगल पे से कोई पेमेंट करता नहीं, तो एक्सिस से यूटिलिटी पेमेंट मैं यूज करता नहीं। मोस्टली 2% के लिए था, वो भी डाउनग्रेड करके उन्होंने 1.5% कर दिया, तो डेफिनेटली उस पर्पज के लिए मेरा कार्ड नहीं था। एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड है, वो टोटली वेस्ट लग रहा है मेरे सिचुएशन में, तो मैंने उसको क्लोज करा दिया। और मेरे पे एयरटेल एक्सिस मेरे पास कार्ड हो गया और लाइक फ्लिपकार्ट एक्सिस। अब फ्लिपकार्ट एक्सिस मैंने क्यों लिया है और मैं क्यों इसका इस्तेमाल करता हूँ वो मैं बताता हूँ। अगर मैं एक्सिस एस रख भी लेता 1.5% के लिए और इसके साथ मिलता है 1%, तो 0.5% के लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड, जो कि लिमिटेड कार्ड रख सकते हैं एक्सिस में, तो एक कार्ड को पोजीशन वैकेंट करना मेरे लिए जरूरी था। तो 0.5% के लिए मैं इस कार्ड को नहीं रख सकता, तो फ्लिपकार्ट एक्सिस मैंने इसलिए ले लिया कि 1.5% की जगह 1% तो मेरे को मिल ही जाएगा इससे। और रीजन ये था कि फ्लिपकार्ट पे मेरा एक्सपेंसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था और इंक्रीज है भी, मोस्टली मैं कर भी लेता हूँ फ्लिपकार्ट पे एक्सपेंसेस तरह तरह के, कभी भी कुछ भी परचेज कर लिया तो फ्लिपकार्ट पे मेजरली एक्सपेंसेस मेरा होता है एज कम्पेयर टू अमेजन। अमेजोन पे भी करता हूँ बट मोस्टली मैं फ्लिपकार्ट प्रीफर करता हूँ एक्सपेंसेस करने के लिए। और तो और प्रॉब्लम ये है कि मैं हमेशा सडन एक्सपेंस करता हूँ, मैं लाइक कोई ऑफर का वेट नहीं करता, सडन नीड भी सडन ऑर्डर कर दिया। तो इस पर्पज के लिए ये कार्ड मेरे को बहुत वर्क करता है क्योंकि सडनली मैं ऑर्डर करता हूँ, तो ऐसा कोई प्लान नहीं रहता है, ऑफर का वेट करता हूँ, ऑफर आएगा तभी करेंगे। तो कुछ बड़े प्रोडक्ट के लिए मैं रखता हूँ, बट जनरली जो डेली यूजेस होते हैं या डेली एक्सपेंसेस होते हैं या कभी भी नीड हो गई तो उस पर्पज के लिए हम क्या करते हैं सडन ही ऑर्डर करते हैं। तो उस पर्पज के लिए जो कार्ड है फ्लिपकार्ट कार्ड मेरे लिए बहुत इफेक्टिवली वर्क होता है क्योंकि मैंने अपना एक्सपेंसेस चेक किया हुआ है, तो मेजरली 5 to 10,000 मेरा मंथली एक्सपेंसेस हो ही जाते हैं फ्लिपकार्ट पे। इसके अलावा मैं क्या करता हूँ कि ग्रैबडील पे आपको 10% का ऑफर चलेगा प्लस 5% आपको कैशबैक, यानी टोटल 15% के आसपास रिटर्न रेट लाके दे देता है ये कार्ड। सो ग्रैबडील के ऑफर के लिए भी ये कार्ड काफी अच्छा रहेगा क्योंकि आप 15% तक रिटर्न आपको मिल जाएगा। ऑल्सो आपको मैंने बता ही दिया कि रिन्यूअल से एक मंथ पहले आप इसे क्लोज करा दो तो चार्जेस भी नहीं लगेंगे। तो प्रैक्टिकली ये कार्ड मेरे यूजर्स के लिए, अगर जो जिस पर्पस के लिए मैं करता हूँ मेरे लिए ये फिट बैठता है, बट मैंने कुछ आपको कॉन्स बताए स्टार्टिंग में, उस कॉन्स को जरूर पॉइंट अपने माइंड में रखिएगा कि ये कार्ड आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बट अगर हाँ कुछ काइंड ऑफ आपका एक्सपेंसेस है, आप ऐसे ही सडन एक्सपेंसेस करते हैं फ्लिपकार्ट पे और फ्लिपकार्ट पे मेजर एक्सपेंसेस करते हैं अपने शॉपिंग में, तो इस कार्ड को डेफिनेटली आप ले सकते हैं। और अगर मेरा रिकमेंडेशन की बात करेंगे तो डेफिनेटली इस कार्ड को मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा अंटिल अनलेस आपका फ्लिपकार्ट पे ज्यादा एक्सपेंस नहीं है, तो मेरा है इसीलिए मैंने इसको रखा हुआ है। और प्लस हर जगह एक्सपेंस करने के लिए 1% ये लाके दे देता है, चाहे SBI कैशबैक हो वो भी 1% देता है, एयरटेल एक्सिस भी 1% देता है, ये भी देता है। तो ये मेरे फ्लिपकार्ट प्लस ऑफलाइन दोनों जगह बराबर कर दे, तो एक कार्ड को यूज करना मेरे लिए ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। हालांकि बेस्ट कार्ड की बात करूं तो आप कोशिश करें कि एयरटेल एक्सिस जरूर रखें अपने पास यूटिलिटी पेमेंट करने के लिए और एयरटेल पे एक्सपेंस करने के लिए। और अगर आप स्विगी के ऑफर के लिए चाहते हैं तो आप चाहें तो एक्सिस का रिवॉर्ड कार्ड भी आप ट्राई कर सकते हैं, उसको मैं जल्दी इशू कराने वाला हूं बिकॉज मैंने एश क्लोज कर दिया, तो मेरे पास एक जो वैकेंट है और मैं उसको टेस्ट करने जा रहा हूं क्योंकि स्विगी पे मेरे काफी एक्सपेंसेस बढ़े हुए हैं। ऐसे जनरली अभी मैं स्विगी एक्सपेंस के लिए HDFC स्विगी कार्ड यूज कर रहा हूं, बट उसका प्रॉब्लम ये है कि आपको कैशबैक लाके देता है, बट जिस किसी रेस्टोरेंट से मुझे ऑर्डर करना है वहां कोई ऑफर नहीं चला है, तो उस सिचुएशन में एक्सिस का जो रिवॉर्ड कार्ड है वो बहुत अच्छा काम करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज एक्सिस के क्रेडिट कार्ड को कमर्शियल यूज नहीं कीजिएगा। मैंने कुछ करे थे क्योंकि बिकॉज कुछ शॉप वालों के लिए ऑफर चल रहा था तो उनके लिए मैंने कुछ मोबाइल फोन ऑर्डर कर दिए थे, जनरली ऐसे नहीं करना चाहिए, तो प्लीज ऐसे नहीं कीजिएगा, कमर्शियल यूज नहीं कीजिएगा बिकॉज कार्ड आपके क्लोज होने के चांसेस रहेंगे। और एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि फ्लिपकार्ट एक्सिस कार्ड बेटर है या अमेजोन का ICC क्रेडिट कार्ड है, तो इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूँ कैटेगरी वाइज कंपेयर करके कि कौन सा कार्ड बेटर है। अपकमिंग वीडियोस मेरा यही प्लान है, तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो ओवरऑल ये कुछ रहता है इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।